हे एवरीवन, वेलकम टू हैप्पीनेस ऑन प्लेट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हेल्दी रेसिपी। ये एक कीटो फ्रेंडली लो कार्ब रेसिपी है, कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप ग्रेटेड कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हमें बहुत महीन ग्रेट नहीं करना है। इसे मैंने अच्छे से धो के छान लिया है। अब लेंगे एक कढ़ाई एंड फ्लेम को मीडियम हाई पे रख के उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लें और फिर डालें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक। कुछ सेकंड्स के लिए भून लें, फिर डालें 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड जिंजर, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च। कुछ सेकंड्स के लिए इन सभी को भून लें। अब डालें 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 हरा प्याज चॉप किया हुआ। अब अनियंस को 1 से 2 मिनट के लिए भून लें हाई फ्लेम पे। ध्यान रखें हमें अनियंस को क्रंची रखना है। अब डालें इसमें 2 टेबलस्पून गाजर चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून बीन्स चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप की हुई। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर डालें नमक स्वाद अनुसार। अब सबको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें हाई फ्लेम पे। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून येलो बेल पेपर चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर चॉप की हुई। अब इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लें। यहाँ हमने रेड एंड येलो बेल पेपर बाकी वेजिटेबल्स के साथ इसलिए नहीं डाली है बिकॉज ये जल्दी पक जाती हैं बाकी वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में। अब डालें इसमें ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून विनेगर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अब फ्लेम मीडियम लो करके इसमें डालें 1 टेबलस्पून वाटर और इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकने दें। 5 मिनट हो गए हैं और अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गिव इट अ फाइनल मिक्स। तो ये रेडी है एकदम और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और फाइनली गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन से। इस हेल्दी कीटो फ्रेंडली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Do subscribe the channel if you haven't done it yet. We'll meet you soon with a new recipe. Till then, bye-bye and take care.